हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए कटहल की सब्जी लेके आई हूँ। आज बनाएंगे कटहल की सब्जी। ये देखिए, मैं पेड़ से इसको तोड़ के लेके आई हूँ। अभी ये पूरा फ्रेश है, इसको काट के अभी बनाएंगे इसकी सब्जी। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए मैं कटहल को काट के अच्छे से धो के अभी रखी हूँ। इसका अभी क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर में डालेंगे पानी, देके थोड़ा सा नमक और हल्दी देके इसको 3 सीटी देंगे हाई मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, 3 सीटी लगने के बाद इसको मैंने छान के रखी हूँ कटहल को, और इसके पानी को भी थोड़ी सी रखी हूँ एक जगह पे। ये पानी थोड़ा चाहिए हमें ग्रेवी में। अभी ये क्या करना है, हमें इस कटहल को अभी फ्राई करना है तेल में। ये देखिए, कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई में सरसों के तेल डाली हूँ। सरसों के तेल में फ्राई कीजिएगा, उसमें जायका अच्छा आएगा, और ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर ये कटहल को डालिएगा। ये देखिए, इसको हाई मीडियम फ्लेम पे इसको एकदम पकाना है, ये जब तक लाल ना हो जाए। अच्छे से देख के पलटिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत नरम है अभी। इसको धीरे धीरे करके ऐसे फ्राई करना है हाई आंच पे। देखिए ये धीरे धीरे लाल हो गया है, इसको फ्राई कर लिए हमने, ये एकदम लाल हो गया धीरे धीरे। अभी इसको निकाल लेंगे, इसको अभी निकाल लेंगे। चलिए सब्जी बनाने के लिए मसाला देख लेते हैं। यहाँ पे 3 मीडियम साइज टमाटर को काट के रखी हूँ, और ये साबुत गरम मसाला है, खड़े मसाला सारे साबुत सारे खड़े मसाले हैं यहाँ पे। और ये कटा हुआ अदरक का टुकड़ा है, और कटी हुई लहसुन की टुकड़ा है, और प्याज है। ये 4 मीडियम साइज प्याज को मैंने ऐसे काट के रखी हूँ बारीक। और ये सूखी मिर्च ऐसे गोटा डालेंगे, मतलब हम लोग पीस के मसाला नहीं डालना है, ऐसे काट के मसाला डालना है। एक नए तरीके से मैं आज आप लोगों को कटहल की सब्जी बना के दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए, मैं आज प्रेशर में बनाऊंगी कुकर में। ये कुकर अच्छे से गर्म हो जाए, फिर आप लोग सरसों के तेल में बनाना है सब्जी। सरसों के तेल ऐड करेंगे, आप तेल जितना खाते हैं उतना ऐड कीजिए। वैसे ये सब्जी में थोड़ा सा चाहिए तेल, अच्छा लगेगा। इतना ही डालूंगी, करीबन 5 चम्मच बड़े। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर आप लोग ये खड़े हुए मसाले को डाल देना है। खड़े मसाले सारे डाल देंगे। थोड़ा वेट कीजिएगा, देखिए ये फूट रहा है अच्छे से। फूट जाए तो फिर आपको क्या, सूखी मिर्च डाल देंगे, फिर प्याज डाल देंगे, प्याज को 2 मिनट के लिए ऐसे थोड़ा इधर उधर करेंगे इसको 2 मिनट के लिए। फिर इसमें वही कटी हुई लहसुन और अदरक को डाल देंगे एक साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज तो ब्राउन नहीं हुआ, कैसे अदरक लहसुन, ये एक साथ पकेगा। इसको हम नए तरीके से बना रहे हैं, इसीलिए प्याज के साथ लहसुन और अदरक को भी डालेंगे। इसको 5 मिनट तक ऐसे पकाएंगे, फिर इसमें टमाटर डालेंगे। देखिए ये प्याज को पकते हुए 5 मिनट हो गया, प्याज लहसुन अदरक और सारे मसाले खड़े मसाले। अभी इसी स्टेज में हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये टमाटर जो काट के रखे थे इसी को ऐड कर देंगे अभी, और अभी टमाटर के साथ नमक और हल्दी भी दे देंगे इसके साथ। नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालना है,
करीबन एक हाफ टेबल स्पून हल्दी डालना है। अच्छे से मिला लेंगे हल्दी नमक को टमाटर को। आप देखिएगा फिर इसको थोड़ा, अभी तो मेरी फ्लेम मीडियम पे नहीं है, वही मीडियम पे ही इसको पकने देंगे और 5 मिनट। आप देखिएगा टमाटर धीरे धीरे पानी छोड़ेगा और मसाला उसी के साथ पकने लगेगा। ये देख लीजिए प्याज और टमाटर जो पक रहा था, प्याज लहसुन टमाटर, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है, पानी छोड़ने लगा है टमाटर। अभी क्या करेंगे हम लोग, जीरा धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। ये जीरा और धनिया को मैंने रोस्ट करके पीस के इसके पाउडर डाल रही हूँ, करीबन 1.5 चम्मच। और ये मेन है इंग्रेडिएंट्स, इसमें मीट मसाला, एवरेस्ट का मीट मसाला, कोई भी मीट मसाला आप डालिएगा ज़रूर, इसमें वो जायका वो टेस्ट आता है, एकदम मीट की तरह लगेगा। जैसे आप लोग कटहल नहीं, जैसे मटन या चिकन खा रहे हैं वैसे ही लगेगा। इसको अच्छे से मिला दीजिएगा। सारे मसालों को एक साथ मिला देंगे अच्छे से, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करीबन 1/2 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पकाना है, अच्छे से पकाना है इस पर। देखिएगा अब ये जब 10 मिनट के बाद ये मसाला सारे एकदम खड़ा नहीं रहा होगा, ये पूरा एकदम जैसे पिसा हुआ मसाला जैसे लगता है वैसे ही लगेगा, आप लोग देखिएगा। अभी इसको हम 10 मिनट पकाएंगे मीडियम पे अच्छे से। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। मसाला के ऊपर देखिए तेल आ रहा है, तेल छोड़ दिया मसाला ने। ये आप देख के अभी बताइए ये वही मतलब पीसा हुआ है या वही बारीक कटा हुआ मसाला है, खड़े मसाला डाले थे एकदम पीसा हुआ जैसे हो गया ये। अभी इसमें वो जो फ्राई करके रखे थे कटहल, इसको अभी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम करीबन 1 कप पानी ऐड करेंगे। वैसे आप लोग अगर ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम रखूँगी तो 1 कप पानी हमारा हो जाएगा। 1 कप पानी डाल के इसमें इसको अभी प्रेशर को बंद करके इसको हाई फ्लेम पे और 1 सीटी लगा देंगे, फिर हमारा रेडी हो जाएगा कटहल की सब्जी। देखिए मैं प्रेशर को बंद कर दी हूँ, अभी 1 सीटी आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, इसको हाई मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। देखिए ये 1 सीटी आ गया, अभी इसको हम बंद कर देंगे और इसको छोड़ देंगे पूरा। ये जब ठंडा हो जाएगा अपने आप सीटी इसमें निकल जाए सारे, फिर इसको खोलेंगे। आप फिर देखेंगे, मैं दिखाऊंगी कैसे बनी है सब्जी। इसमें ये सारे निकल गया, इसको अभी खोलेंगे, अभी खोल देंगे इसको और देखेंगे। ये देख लीजिए कैसे बनी है हमारी सब्जी। देखिए ऊपर कैसे तेल उठ के आया है, देख लीजिए, वाव बहुत सुंदर दिख रहा है ये। देखिए ये पूरा मटन जैसी बनी है कि नहीं, देख लीजिए इसको, ये बहुत सॉफ्ट बनी है, पूरा नरम बनी है, जैसे मटन लग रहा है, मटन जैसे लग रहा है, पूरा इसका टेस्ट मटन जैसा ही। वैसे मटन मटन होता है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी पूरा आपको मीट के जैसा लगेगा, आप मतलब जान भी नहीं पाओगे कि ये कटहल है कि क्या है। ऐसे ज़रूर बनाइए कटहल की सब्जी इस तरह से, मतलब आप लोग ये वाली मसाला बिना पीसे हुए मसाले से, खड़े मसाले से ज़रूर बनाइए ऐसे कटहल की सब्जी, पूरा सॉफ्ट है। ये गर्म है अभी इसीलिए मैं हाथ नहीं लगा पा रही हूँ, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए कैसे ऊपर भी तेल आया है इसकी। ऐसे बना के ज़रूर खाइए, और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रहती हूँ।
धन्यवाद।